हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरोही फ्लेवर। आज मैं एक्चुअली में कुछ डिफरेंट टाइप का ब्लॉग्स बना रही हूँ, तो इस ब्लॉग्स में आप मिष्टी को नहीं देख पाओगे। ये एक्चुअल मेरे ऑफिस का एग्जीबिशन लगा हुआ है प्रगति मैदान पे, एंड आपको पता ही होगा मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ। तो हम लोग अभी प्रगति मैदान जा रहे हैं जो कि 3 दिन चलेगा। तो आप 3 दिन देखिए मेरे साथ में किस तरह से मैंने ब्लॉगिंग करी है एंड कुछ डिफरेंट करने का किया है। कई बार मेरे कई फ्रेंड्स ने मुझे बोला है कि आप कोई ब्लॉग्स बनाओ और कोई डिफरेंट टाइप का ब्लॉग्स बनाओ, तो सेम है वही ब्लॉग्स बना रही हूँ। और मेरे साथ में मेरे ऑफिस की कलीग है, वो भी साथ में जा रही है, सताक्षी। एंड अभी हम लोग एक्चुअली पेट्रोल पंप में हैं एंड CNG भरवा रहे हैं। तो चलिए आप लोग चलिए मेरे साथ में एंड देखिए किस तरह का ब्लॉगिंग है और किस तरह का एग्जीबिशन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर आप लोग आना चाहते हो एग्जीबिशन में, तो 3 डेज़ का एग्जीबिशन है जो कि सुई मशीन का है। तो चलिए बाय, मिलते हैं वहीं पर ही प्रगति मैदान पे। सो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। ये अब प्रगति मैदान की गेट नंबर 5 पे है और हम लोग जो एंट्री है वो गेट नंबर 5 से है। पहले तो 3, 4 और 5 तीनों से जा सकते थे, बट हम लोगों का 5 नंबर पास में पड़ रहा था जो हमारा आउटलेट लगा हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर पहुँच गए थे अराउंड 1 o'clock, बट कल से हमें 10 जाना पड़ेगा। तो चलिए फाइनली हम लोग अपने एग्जीबिशन को पहुँच गए हैं और हम लोग थोड़ा सा बाहर खड़े हैं क्योंकि पासिस हमें अभी तक मिले नहीं हैं। तो जैसे हमें पासिस मिल जाते हैं हम लोग एंटर करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ में देखिए किस तरह का एग्जीबिशन है और आप लोग मोस्ट वेलकम एग्जीबिशन में आ सकते हैं। पर शायद जब तक ये मेरा वीडियो जाएगा तब तक ये एग्जीबिशन स्टॉप हो चुका होगा, ख़त्म हो गया होगा। इस एग्जीबिशन में ना सिर्फ मशीनरी का नहीं है, बेसिकली मैं एक मशीनरी लाइन में वर्किंग हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ मशीनरी लाइन के ही एग्जीबिशन ही लगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जीबिशन है, गारमेंट्स का भी है एंड और भी कई काइंड्स के हैं। बट आज मैंने काफ़ी ज़्यादा तो नहीं देखा इस पूरे एग्जीबिशन को, काफ़ी बड़े पैमाने पर ये लगा हुआ है। तो अभी सीधा मैं अपने ही आउटलेट पे गई थी, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स है यहाँ पर। फाइनली मैं अपने आउटलेट पे पहुंच चुकी हूं एंड इस एग्जीबिशन में ना सिर्फ दिल्ली से ही लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ऑल ओवर इंडिया से एग्जीबिटर्स आए हुए थे एंड इसको देखने के लिए भी जो विजिटर्स थे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे। तो काफ़ी बड़े एरिया में था ये एग्जीबिशन। अच्छा ये सबसे हमारी क्या मेहनती लड़की
क्या था, क्या क्या है मेन्यू में? दाल है, हल्दी है, रायता है, पिकल्स है, अचार। तो अभी तक आपने मेरे ब्लॉग्स में काफ़ी कुछ देख लिया होगा एंड काफ़ी सारी मशीन देखी होगी एंड जो आप क्लोथ्स वगैरह पहनते हो ना, तो वो हम लोगों ने बेसिकली कभी देखा ही नहीं होता इस टाइप की मशीन। एंड ये मेरा सेकेंड टाइम एग्जीबिशन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। उससे पहले भी मैंने मशीन्स का देखा है, बट यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट टाइप की भी मतलब मशीन्स मुझे देख रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर ना सिर्फ मशीन्स का नहीं है, कपड़े भी मतलब लाइक जीन्स वगैरह है या साड़ीज में जो डिज़ाइन वगैरह बनते वो भी मतलब वीडियो थे। तो ऑल दो ये मतलब लास्ट टाइम ये एग्जीबिशन से मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सबसे अच्छी मुझे इस एग्जीबिशन की बात लगी, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कूलिंग है और प्रगति मैदान में है। तो मैंने पहले से सुना हुआ था कि एग्जीबिशन में आपको काफ़ी अच्छा मतलब बात है, अब क्या कर सकते हैं, काम है हमारे, करना ही पड़ेगा, तभी तो फल मिलेगा ना, सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली हमारा डे वन आज ख़त्म हो चुका है एंड टाइम है 6:30। सो हम लोग अब जा रहे हैं, तो हम लोग आज बसें नहीं जाएंगे, हम लोग मेट्रो से जाएंगे। जल्दी पहुँचना है घर इसलिए। हाँ जल्दी घर पहुँचना है। होपफुली आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है एंड आप डे टू का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।